हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी राजमे की रेसिपी। और ये रेसिपी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी, बिना किसी झंझट के आप एकदम परफेक्ट राजमा बना के रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करें अपनी रेसिपी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें और वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1.5 कप राजमा लिए थे, उसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। तो कम से कम आप राजमे को 8 घंटे के लिए तो ज़रूर सोक करें। और उसके बाद मैंने इसे 2 बार पानी से धुल के छान लिया है। तो अब इसे मैं एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लगभग मैंने 6 कप पानी ले लिए हैं, क्योंकि ये रेसिपी हम चावल के साथ खाते हैं तो इसमें पानी अच्छे से लगेगा बॉयल करते टाइम। तो यहाँ पे मैंने 6 कप पानी लिए हैं। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अभी मैंने 1/2 चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब इसकी हमें सीटी लगा देनी है। तो 1 सीटी हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 2 से 3 सीटी हम लो फ्लेम पे लगा देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और राजमे की कई वैरायटी होती है, कोई राजमा जल्दी पक जाता है, किसी राजमे को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम इसमें मसाले तैयार कर लेंगे। तो 2 बड़े प्याज थे, 2 हरी मिर्च है, 1.5 इंच अदरक है और ये खूब सारी कलियां लहसुन की हैं। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे थोड़ा सा पानी हम ऐड करके इसका एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिना किसी तामझाम के हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 लाल टमाटर ले लिए हैं। अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये टमाटर का पेस्ट बन के रेडी हो गया, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए, ये राजमे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़े खड़े मसाले लिए हैं। तो एक ये बड़ी इलायची ली है, 1 छोटी इलायची ली है, 3 लौंग ली है, 1 स्टिक दालचीनी की है, 1 जावित्री है, थोड़ी इसमें काली मिर्च ली है, 1 तेज पत्ता है, 1/2 चम्मच साबुत जीरा है, 2 चुटकी हींग है। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल ले लिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद ये खड़े मसाले लेके इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। और इसमें अगर आपको कुछ खड़े मसाले ना मिले तो आप सिंपली लेके उसको स्किप कर दीजिए, तब पर भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब ये जो मैंने ग्राइंड करके रखा था प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, ये इसमें लेके ऐड कर देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 मिनट के लिए पका लेंगे। लगातार चलाते रहें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पका लें, जब तक कि ये ऑयल ना रिलीज करे। तो ये देखिए, 4 मिनट के बाद इसने ऑयल रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें थोड़े सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर लिया है खटास के लिए। तो अब इसे लेके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तुरंत ही मसाले भुन जाते हैं अगर इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे, ये देखिए। तो अब इसके बाद हमें इसमें टमाटर ऐड करना है। तो ये जो टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और ये जल्दी से पक जाए। तो इसी स्टेज पे हम नमक भी ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा कि मसाले बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। तो नमक आप देख के ऐड करें, क्योंकि राजमा उबालते टाइम भी मैंने नमक ऐड किया था, तो वो बात ध्यान देते हुए आप इस स्टेज पे नमक ऐड करें। इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कि ये ऑयल ना रिलीज करे। जितना अच्छा आपका मसाला पकेगा उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनेगी। तो ये देखिए, ये ऑयल रिलीज करने लगा है, टमाटर भी इसमें अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इन सारे मसालों को लेकर के वो जो उबले हुए राजमे थे उसमें लेके ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसे लेके ऐड कर दूंगी इसमें सभी मसाले। देखिए, जितने मसाले मैंने भुने थे सब इसमें ऐड कर देंगे। और जो कढ़ाई में थोड़े से मसाले चिपके हुए थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसको भी ऐड कर लेंगे। देखिए, स्क्रैच करते हुए हम इसे भी मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और अब हम इसे चला लेंगे और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, वो लेके ऐड कर देंगे। अब हमें इसकी केवल 1 सीटी लगानी है हाई फ्लेम पे, उसके बाद तुरंत गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, क्योंकि राजमा पक चुका है। लेकिन ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रही हूँ कि मसाले राजमे के अंदर तक चले जाएं,
तो बस एक सीटी हाई फ्लेम पे आने दें, उसके बाद तुरंत गैस की फ्लेम बंद कर दें। तो इससे क्या होगा कि मसाले अंदर तक राजमे के चले जाते हैं। तो लास्ट में देखिए मैंने ढक्कन इसका हटाया है, उसके बाद लास्ट में धनिया की पत्ती के साथ इसे गार्निश करें। ये अपने आप थोड़ी देर में गाढ़ा होने लगता है राजमा, 5 से 10 मिनट में। तो ये देखिए इसे मैंने चावल के साथ सर्व किया है और ये कितना टेस्टी दिख रहा है। मन कर रहा है ना कि तुरंत ही इसे खा लें। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रेसिपी है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी ये रेसिपी बना के जरूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।